हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 से 15 मार्च तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, और क्या एक्शन लेने वाले हो आप दोनों अपनी लव लाइफ के लिए, ये सब देखेंगे हम आज के वीडियो में। लास्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल की बात, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और कुछ गाइडेंस कि आपको अपनी लव लाइफ को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि। अभी इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपकी करंट फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है, फर्स्ट टू 15 मार्च तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, फर्स्ट टू 15 मार्च तक आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। ओके, अभी के करंट फीलिंग अगर मैं देखूं तो वृषभ राशि में देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग सॉलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से वो आपको लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसके कारण वो आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार आपकी तरफ से उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है वृषभ राशि आपसे, कि आप कितना भी कर लो उन्हें कम ही लगता है। तो ऐसा होता है ना कई पार्टनर्स के साथ कि वो पूरा टाइम उन्हें ध्यान रखना है कि उनका पार्टनर क्या कर रहा है, कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो सारी सिचुएशन अभी आपके साथ हो रही है, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर जो है उनके लिए आप कितना भी कर लो, उन्हें और ज़्यादा चाहिए आपसे, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। और आपकी फीलिंग्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना ही मैं कर सकता हूँ, मुझे इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए, मैं इस रिश्ते में खुश रहना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में इसलिए कनेक्ट हूँ क्योंकि मुझे अच्छा फील होता है। अगर यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी आएगी, अगर यहाँ पर मुझे रोज़ रोज़ किसी और बात पर हम झगड़ा करेंगे, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत प्योर है, लेकिन वो एक कहते हैं ना, फ्रीडम नहीं है इस रिश्ते में। वो फ्रीडम जो है वो अब आप फील करने लगे हो कि भाई मुझे यहाँ पर इस रिश्ते में फ्रीडम नहीं मिल रही है। आप बहुत ही फ्रीडम पसंद करने वाले इंसान हो, और आपको ऐसा लगता है कि मैं खुश रहूं, घूमूं फिरूं, इंजॉय करूं, बैलेंस रखूं अपनी लाइफ में हर तरह से, चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो, भाई बैलेंस करके चलो, बहुत ज़्यादा मत सोचो किसी एक चीज़ के बारे में। आप इस टाइप के पर्सन है, और आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर इस वक्त। देखते हैं 1 से 15 में क्या रहने वाला है। तो 1 से 15 में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ तो बात हो सकती है। थोड़ी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। उसके बाद ये स्टार्टिंग में ही दिख रहा है मुझे, हो सकता है स्टार्टिंग में ही ऐसा हो जाए, या फिर जो अभी वो सोच रहे हैं कि तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, तुमने ये नहीं किया, उन बातों को लेकर फिर से पुरानी बातें भी शायद इनसे कनेक्ट होगी, तो उन बातों को लेकर आप दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और उसके बाद आपके पार्टनर ही आपको मनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, किसी भी तरह से वो आपको मना लेंगे, किसी भी तरह से वो आपसे बात कर लेंगे, और फाइनली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप दोनों की फिर से अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर से आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाओगे। 111 की एनर्जी है, एंजल की एंजल नंबर है यहाँ पर, और एंजल यहाँ पर यही गाइड कर रही है कि यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, खुशियाँ, ब्लेसिंग्स यहाँ पर 1 से 15 के बीच में आने वाली है। आपके पार्टनर के लिए आपके मन में जो भी कड़वाहट है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है थोड़ी बहुत भी, तो वो सारी क्लियर होने वाली है। आपके पर्सन खुद अपने आप आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बहुत सारी अपने दिल की बातें आपसे करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर वो हो सकता है कि सिर्फ आपको मनाने की कोशिश करेंगे,
उनके मन में क्या चल रहा है वो नहीं बोलने वाले हैं। सो यहाँ पर आप जो है अपने पर्सन को अपनी तरफ आता हुआ देखेंगे और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। सन की एनर्जी भी यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें इतनी सारी जब आपके साथ होगी तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो मैं ही हूँ, मतलब वो ईगो, वो ओवर कॉन्फिडेंस आप में आ सकता है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यस, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एंजल की ब्लेसिंग्स है, 22 की एनर्जी है, 111 की एनर्जी है, तो ये वीडियो देखते वक्त भी आपको ये नंबर्स नज़र आ सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर 1-15 के बीच में आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। वृषभ राशि 1-15 के बीच में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। जस्टिस का कार्ड, दो कार्ड से यहाँ जस्टिस क्या है, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ में होंगे। देखते हैं आप क्या सोचने वाले हो आपके पार्टनर के लिए। ओके, अगेन किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, हाँ द लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है रियली, मतलब कि ऐसा हो रहा है उनको कि अभी ही वो आपसे शादी कर ले, वो आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं इन 15 दिनों में। वो कहेंगे कि चलो ठीक है जाने दो सब चीज़ों को, सब चीज़ों को छोड़ते हैं, बैलेंस करते हैं और कुछ नया करते हैं, मतलब कि कुछ कमिटमेंट देते हैं, शादी कर लेते हैं, फैमिली के साथ मिल लेते हैं, मतलब हर तरह से वो एग्री होंगे क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए परफेक्ट है। मुझे यहाँ शादी वाले वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या तो आपकी शादी की बात चलेगी आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपके पार्टनर की एक बात कहीं ना कहीं चल रही है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर शादी की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो या तो आपके साथ वो बात कर सकते हैं, आपकी फैमिली से वो मिल सकते हैं, और या फिर वो आपके साथ कमिटमेंट में आ सकते हैं पूरी तरह से कि बस अब कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर है, तो यस वो अब जो भी इमोशंस उनके मन में थे वो अब खोल कर रखने वाले हैं आपके सामने। मतलब मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे मैंने कहा ना यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, मेरा पार्टनर मान जाए, तो यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन उनका कंप्लीट हो जाएगा 1-15 के बीच में, डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी एनर्जी जो है वृषभ राशि, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सोचने का टाइम ले रहे हो, यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, आप जानते हो सभी चीज़ें ठीक है, फैमिली भी ठीक है, सब चीज़ें ठीक है यहाँ पर, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, आप खुद थोड़ा सा डगमगा रहे हो, आपका मन थोड़ा डगमगा रहा है कि जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ क्या वो ठीक है, मेरे फ्यूचर के लिए ठीक है, क्या मेरी फैमिली के लिए ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके मन में, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आपके पार्टनर जो है वो खुलकर आपको कहने वाले हैं कि यस मैं ओके हूँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर सोच रहे हो, खुद पे खुद के लिए विचार कर रहे हो, बहुत सारी थिंकिंग आपके मन में चल रही है, पास्ट से रिलेटेड भी हो सकती है और प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकती है और फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकती है कि यार आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो वृषभ राशि आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में दिखोगे। तो अगर इतना कन्फ्यूज़न यहाँ पर है तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यस अपने इमोशंस को भी छुपा रहे हो, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करोगे, बताओगे नहीं कि आपके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है, आगे बढ़ोगे थोड़ा, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर जब इतना बड़ा ऑफर लेकर आपके सामने आएंगे तो ऐसा नहीं है आप खड़े रहोगे, नहीं, आप उनके साथ आगे बढ़ोगे लेकिन कमिटमेंट में नहीं बढ़ोगे, आपको लगेगा कि भाई मैं हूँ साथ में लेकिन अभी फ्यूचर नहीं पता मुझे। सो आप थोड़ा स्लोली जा रहे हो और आपके पार्टनर थोड़ा फास्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। वृषभ राशि के पार्टनर वृषभ राशि के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं 1-15 मार्च के बीच में। वाओ, हार्मनी, अगेन मैरिज कार्ड है यहाँ पर। ओके, चलिए देखते हैं आप क्या एक्शन लोगे आपके पार्टनर के लिए। यस, द मास्टर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, 6। देखिए यहाँ पे अकेले 666 की एनर्जी आपकी इस रीडिंग में, बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स मुझे नजर आ रहे हैं, 111, 222, अब नेक्स्ट 666, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी एक कनेक्शन के थ्रू आप मिले होंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से मैच हुई थी और अब जो है आप थोड़ा, अब लव लाइफ जब आपकी शुरू हुई है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं गलत तो नहीं जा रहे, वो बर्डन्स आपको फील हो रहा है दोनों को,
तो चलिए, दोनों को तो नहीं, आपको ज्यादा फील हो रहा है, आपके पार्टनर तो हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, तो देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो यस, वो आपके लिए हर तरह से मैं ये कहूँगी कि अगर आप चाहोगे कि आप उनसे शादी करना चाहते हो तो वो आपसे शादी करने के लिए भी तैयार होंगे। वो आपके साथ एक अपना फ्यूचर देख रहे होंगे, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना सब कुछ देख रहे होंगे, तो वो एक एक्शन लेने के तैयार है, कमिटमेंट वाला। यहाँ पर थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है कि वो सोच रहे हैं कि कहीं आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी वो वाली नहीं है कि यस अभी के अभी मैं रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि यार ये पार्टनर के साथ मैं सही तो हूँ, क्या ये पार्टनर मेरे साथ खुश तो है, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से वो भी ये कहेंगे कि चलो ठीक है हम कमिटमेंट की बात करेंगे, लेकिन पहले तुम अपनी सिचुएशन को समझ लो, बैलेंस कर लो, उसके बाद डिसाइड करो। ठीक है, आप क्या एक्शन लेने वाले हो? तो आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो वृषभ राशि, आप बहुत आराम से बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि जो भी होगा देख लेंगे। आपने सरेंडर कर दिया है, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, आप ना तो कोई रिप्लाई दोगे, ना ही आप कोई बात करोगे किसी बारे में, आप यही सोचोगे कि भगवान को जो मंजूर होगा वो हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। देखिए, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड कोई एक्शन की बात नहीं करता, चलने की बात नहीं करता, मूवमेंट की बात नहीं करता, वो कहता है कि रुक जाओ, जहां पर है रुक जाओ, भगवान अपने आप गाइडेंस दिखा देंगे, भगवान अपने आप दिखा देंगे कि क्या चीजें कहां पर कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कहां तक मुझे पहुंचना है, कहां तक नहीं पहुंचना है। तो आपकी तरफ से मुझे यहां पर कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से है, लेकिन आपकी तरफ से जब नहीं होगा तो आपके पार्टनर यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए आप देखते हैं आपके दिल, आपके पार्टनर के दिल की बात। एक्चुअली वृषभ राशि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। वेडिंग, देखिए आपके पार्टनर वृषभ राशि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, देखिए आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर पहले मैं एक स्टोरी बता दूंगी कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी पिछला हुआ हमारे बीच में, चाहे कितना भी झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, और कितना भी हमने एक दूसरे को ब्लॉक किया, लेकिन अब हम एक दूसरे को पूरी तरह से जान चुके हैं, अब हम एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं, तो हमें अपने इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही साथ में नहीं था या नहीं थी, मैं दिल से तुम्हें चाहता था, तो एक रिलेशनशिप को एक चांस और देकर हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर सेपरेशन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाए, जो आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया है उसको फील करें और फिर से आप अपने रिश्ते को एक चांस दें। यहाँ पर आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा जब हम लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, जब हम बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ होते हैं, तब ही एक्चुअली एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अब हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझ गए हैं। कई बार ऐसा होता है हमें समझ ही नहीं आता आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन अभी आपके पार्टनर को ये लगता है कि अब वो आपके दिल की बात आपसे बिना सुने भी समझ सकते हैं। तो यहाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी ये फील करो। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है वृषभ राशि मार्च मंथ के लिए। ओके, इसके साथ ही एक अफर्मेशन भी निकाल लेती हूँ मैं मार्च मंथ के लिए, वृषभ राशि के लिए क्या अफर्मेशन है। ओके, वृषभ राशि देखिए आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी गाइडेंस मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आप थोड़ा स्टक फील कर रहे हो, आप कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप कर रहे हो कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, आप यूनिवर्स पे पूरी तरह से विश्वास कर रहे हो, तो इस विश्वास को बनाए रखिए, 100% आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा, आपको आप समझोगे और आपको आपको भी लोग समझेंगे और आप भी लोगों को समझोगे। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, टेक योर टाइम, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, किसी खुद के लिए टाइम निकालो, खुद का अपना टाइम लो पूरा, और खुद को पहले हैप्पी रखो, पहले खुद को खुश रखो, उसके बाद में कुछ डिसीजन लो।
द वर्ड्स अवेट्स यू मॉर्निंग. ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यस, उठो, जगो, अपने अपनी खुशियों के बारे में सोचो. देखो यहाँ पर एक्वेरियम दिखाता है कि देखो फिशेज जो होती है ना, वो हमेशा चलती रहती, कभी भी वो रुकती नहीं है. चाहे कितना भी उन्हें खाना मिल जाए, कितना भी उनका पेट भरा हो, वो उन्हें मौज मस्ती करनी है, घूमते रहना है, चलते रहना है, फिरते रहना है. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप स्टक होके रहे हो तो उठो और अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो करो, और जस्टिस अपने आप आपके साथ आएगा. आपको सिर्फ खुद पे फोकस करने की जरूरत है. उसके साथ ही आपके लिए जो यहाँ पर अफर्मेशन आई है मार्च मंथ के लिए, वो है आई एम यूनिक. यस, जब आपका कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है तो पहले खुद को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी. तो यहाँ पर 21 टाइम्स नहीं तो 11 टाइम्स कम से कम डेली चैंट करें आई एम यूनिक, फील करते हुए कि यस, मैं बहुत यूनिक हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा है. तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग गए हैं. ठीक है, तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग 1-15 मार्च के लिए. रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू सो मच.